बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 पंजाब बोर्ड के मुताबिक। तो आज हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिर इसकी हमारे पास कैलकुलेशंस वगैरह भी होंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मोल की है। मोल क्या होता है, मोल इज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। मोल को हम एन से जाहिर करते हैं। मोल को किससे जाहिर करते हैं हम, सिंबल स्मॉल एन। मोल को हम एन से जाहिर करते हैं, स्मॉल एन से। अभी हम इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आती है, एवोगैड्रोस नंबर, एमेडो एवोगैड्रो, 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, ये साइंस दान थे। इन्होंने एक नंबर हमें बताया था, वो क्या होता है मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके न्यूमेरिकल भी हैं। उसकी वैल्यू क्या है, एन ए नंबर, एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो। हमारे पास दो किस्म के एन होते हैं, जिसे एक एन ए कैपिटल एन, स्मॉल ए क्या कहलाएगा, सोडियम कहलाएगा, नेथिलियम यानी, नेथिलियम यानी। और जब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये हमारे पास एक खास वैल्यू है जो एमेडो एवोगैड्रो ने निकाली थी। अभी होती क्या है, इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम और फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एक मोल ऑफ सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम और फार्मूला यूनिट्स इक्विवेलेंट होते हैं। उसकी एक खास वैल्यू उन्होंने दे दी एमेडो एवोगैड्रो ने, जिसकी वैल्यू हमें बताई, वैल्यू क्या है हमारे पास, एन इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमें सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट द ग्राम मोलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने अभी बताया, ग्राम एटॉमिक या ग्राम मोलिकुलर मास को कहते हैं मोल, यहाँ ग्राम एटॉमिक भी देते तो बात एक ही है। इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4, 40 ग्राम H3PO4 में मोलों की तादाद निकालिए। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, डेटा बढ़ाना है। सबसे पहले तो हम बनाएंगे डेटा, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, एन लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। गिवन मास या नॉन मास, और गिवन मास, जो चीज सवाल में दिया जाएगा, जो चीज ग्राम में सवाल में दी जाएगी वो गिवन मास या नॉन सब्सटेंस मास, एक ही बात है, या नॉन मास। कितना है आपके पास, 40 ग्राम। नॉन मास और गिवन मास कितना आ गया, 40 ग्राम। नंबर ऑफ मोल आपको मालूम करने हैं। H3PO4 का फार्मूला मास भी या मोलिकुलर मास भी निकाल लीजिए। कैसे आएगा, H3PO4 का मोलिकुलर मास 1 × 3, इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, इससे प्रीवियस में देख लीजिएगा, 31 × 1 + 16 × 4, 64 हो जाएगा, 31 रहेगा, 3 हो 98 AMU आ जाएगा। H3PO4 कितना है हमारे पास, 98 AMU। तो आप ये पास ये आ गया इसका मोलिकुलर मास या फार्मूला मास। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास या मास इन ग्राम, एक ही बात है, मास इन ग्राम या गिवन मास, जो सवाल में दिया जाए मास उसको कहते हैं गिवन मास। फॉर्मूला मास आपने कितना निकाला है, अपॉन मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास, एक ही बात, मोलिकुलर मास। तो एन मास इन ग्राम आपके पास कितना है, 40। फार्मूला मास कितना है, 98। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 40 / 98 मोल्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 40 ग्राम H3PO4 में 0.408 मोल्स हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें सवाल दिया गया है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल
कार्बन वेइंग 9.0 ग्राम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास। ये आपको सवाल दे दिया गया है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। गिवन मास कितना है आपके पास? गिवन मास कह दें या नॉन मास कह दें, गिवन मास आपके पास कितना है? 9.0 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या आ जाते हैं? एन। ये आपको कैलकुलेट करने है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है आपके पास? 12 है, AMU कह दीजिए। अब आप लिख लें फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास। मास इन ग्राम कितना आपके पास? 9.0। फार्मूला मास कितना है? 12। तो 9.0 डिवाइडेड बाय 12, 0.75 मोल्स आपके पास आंसर ये आ गया आपके पास मोल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक और सवाल है, देखते हैं। देयर आर 3.01 एक्सपोनेंट 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। तो सबसे पहले आपको बनाना है डेटा। इसमें भी डेटा में आपको क्या करना है, 3.01 एक्सपोनेंट 23 मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास? 3.01 एक्सपोनेंट 23, ये आपके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। मोलर मास ऑफ CO2 आप निकाल लीजिए। CO2 है 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 12, 44। तो कितना आया हमारे पास? 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स भी आपको मालूम करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन से जारी करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। मास ऑफ मोल्स भी आपको निकालने, ये आपके पास आ गया डेटा। अब हम लगाते हैं फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अपॉन एवोगैड्रोज़ नंबर। ये आ गया आपका फार्मूला। मोल्स ऑफ CO2 नॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं? 3.01 एक्सपोनेंट 23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये आपके पास आ गया फार्मूला। अब आप क्या करेंगे, 3.01 23 अपॉन 23 कट गया, 3.01 को 6.02 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.5 मोल। ये आपके पास पहले तो आ गया नंबर ऑफ मोल। अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस क्या है हमारे पास? CO2। या मास ऑफ CO2 लिख लीजिए या मास ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास।
तो मास ऑफ CO2 कितना आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना निकाला 0.5, मोलर मास कितना आपके पास 44, 0.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मास ऑफ CO2 कितना आएगा आपके पास 22 आ जाएगा, 22 ग्राम ये आ गया मास ऑफ CO2 आपके पास। ये होगी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था आज